साहिबा। इंस्पेक्टर साहिबा, आपको गिरफ्तार किया जाता है। क्या मैंने किया? क्या किस बात के लिए अरेस्ट कर रहे हैं आप मुझे? आपके खिलाफ FIR हुई है। आपने खुद अपने पति के साथ मिलकर अपने ही बच्चे को किडनैप किए और उसका झूठा इल्जाम बरार फैमिली के ऊपर लगा दिए। क्या साहिबा कौर पनेसर, तेरा गेम ओवर। तेरा पति तो जेल में है ही, अब तेरी बारी। आइए साहिबा जी, आइए। चलिए। होश में तो है? ये बोल क्या रहे हैं आप? वही जो सच है। कितना गिरेगी तू? अपने उस गुंडे पति के साथ मिलकर मेरे पोते को किडनैप किया, खुद मेरे बेटे के रोके में आकर तूफान मचाया, उससे भी दिल नहीं भरा तो ग्यारी को इतनी बेरहमी से पिटवा दिया। मनवीर मैम प्लीज, ज़बान संभाल कर। आप मुझ पर ऐसे झूठे इल्जाम नहीं लगा सकते। झूठे इल्जाम तूने लगाए हम पर। देख रहे इंस्पेक्टर साहब, चोर मचाए शोर। अरे बोलने से पहले एक बार सोच तो लीजिए कि क्या बोल रहे हैं। इंस्पेक्टर साहब आप ही बताइए, जब मेरा बच्चा किडनैप हुआ था मैं नहीं आई थी पुलिस स्टेशन कंप्लेंट करने के लिए। मैं आपको फोन भी किया था, मैं इधर उधर ढूंढ भी रही थी उसको, इतना परेशान हो गई थी। और मैं खुद ही अपने बच्चे को किडनैप करूंगी? सर नाटक था तेरा, हमारे साथ साथ पुलिस की आंखों में धूल झोंकने के लिए नाटक। तूने और तेरे उस पति ने मिलकर मेरे पोते को किडनैप किया है। मैं ऐसा क्यों करूंगी? पैसों के लिए और क्या, वरना क्यों मांगती 5 करोड़ की फिरौती? कुछ जो सोचना है अब सोचिए, आपको जो बोलना है आप बोलिए, उससे मुझे कोई फर्क नहीं पड़ता है। अब तो फर्क नहीं पड़ेगा, फर्क तो तब पड़ेगा जब जेल जाएगी। साहिबा जी आपको हमारे साथ चलना होगा। अरे फिर वही बात, क्यों चलना होगा? क्यों आऊं मैं थाने? मैंने कुछ गलत नहीं किया है, क्यों करेंगे आप मुझे अरेस्ट? लेकिन इन्होंने रिपोर्ट में साफ साफ कहा है कि क्या होता है, इन्होंने रिपोर्ट लिखवाई है कि मैंने अपने बच्चे को किडनैप किया है, तो आप मुझे अरेस्ट कर लेंगे। ठीक है, मैं लिखवाती हूँ इनके खिलाफ रिपोर्ट, इन्होंने किया मेरे बच्चे को किडनैप, कीजिए इन्हें अरेस्ट। आइडिया तो बहुत अच्छा है तेरा, लेकिन बहुत देर कर दिया तूने, और शायद तूने ठीक से सुना नहीं। तेरे उस गुंडे पति को पुलिस ने गिरफ्तार कर लिया है और अब ये मामला शीशे की तरह साफ है। मैं नहीं जानती हूँ कि आखिर को किसने किडनैप किया था। ये जो बोल रही है ना, मेरी समझ से बाहर है। मेरा इस किडनैपिंग से कोई लेना देना नहीं है। खुद को माँ कहती है तू? ऐसी होती है माँ, ऐसी जो अपने एक्स पति से बदला लेने के लिए उसके परिवार को तंग करने के लिए अपने ही बच्चे का इस्तेमाल करे, उसके जान के साथ खिलवाड़ करे, उसके जान को खतरे में डाले? तूने और तेरे पति ने मिलकर मेरे पोते की जान को खतरे में डाला है, खिलवाड़ किया है तूने उसके साथ, जिसकी सजा तुझे कानून तो देगा ही, लेकिन तेरे इस पाप के लिए तुझे वो रब भी कभी माफ नहीं करेगा। बहुत गलत किया है तूने। मुझे पता था कि साहब अभी पानी सर में। तुझे पता था? कैसे? मुझे कैसे पता चला? ये बात जरूरी नहीं है, जरूरी ये है कि तू और साहब अभी एक साथ रहे। जरूरी ये है कि अकीर को उसके मम्मी पापा का प्यार मिले। देखना अंकल, इस मत एक बार फिर से तुम दोनों का साथ ले आइए।